नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः स्वागत है। और आज हम सॉल्व करेंगे 2008 के नेट परीक्षा के पुराने प्रश्न पत्र। यह आज हमारा इससे संबंधित चौथा वीडियो होगा। ये जो 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हमने चला रखी है, जिसके अंतर्गत हम नेट परीक्षा के सभी पुराने प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे और उनसे आगामी परीक्षा के लिए कितने प्रश्न बन सकते हैं उन सभी संबंधित प्रश्नों के विषय में विचार करेंगे। इसी के अंतर्गत आज ही हमारा चौथा वीडियो है और इसके अंतर्गत भी पूर्व की तरह हम 70 प्रश्न सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? तो इसमें हम सभी जानते हैं कि पाणिनि का ग्रंथ था अष्टाध्यायी। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? पिछले प्रश्न पत्र में इसे हम रिपीट कर चुके हैं। तो प्रथम लेखक हैं गारसा दत्तासी और इन्होंने फ्रेंच भाषा में अर्थात फ्रांसीसी भाषा में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो वीर रस की भाषाओं में प्रयोग किया गया था डिंगल भाषा का। पिंगल जो भाषा है उसमें मिठास है थोड़ी सी, यानी कि ब्रज क्षेत्र की जो भाषा है उसके कुछ अंश आपको पिंगल भाषा में देखने को मिल सकते हैं। तो दो भाषाओं में वीर रस की रचनाओं का अधिकतर रचना हुई है, डिंगल और अपभ्रंश, लेकिन अधिकतर डिंगल की ही है। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? साहित्य लहरी सूरदास जी का ग्रंथ है और इसकी विषय वस्तु है नायिका भेद। इसमें उन्होंने बहुत सारे लक्षण और दृष्टकूट के पद भी इसमें देखने को मिलते हैं। पूछा हुआ प्रश्न है कि सूरदास की किस रचना में हमें दृष्टकूट के पद देखने को मिलते हैं? तो उसका सही आंसर भी होगा साहित्य लहरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना था? तो उन्होंने कुतुबन को माना था। कुतुबन वही हैं जिनकी प्रसिद्ध रचना है मृगावती। जे हाल मिसकी मुकुंद तोगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां पंक्ति किसकी है? तो यह अमीर खुसरो जी की पंक्तियां हैं। आपको गाना याद है ना, मिथुन चक्रवर्ती और हीरोइन शायद अनु या क्या नाम है, जे हाल मिसकी मुकुंद तगाफुल ऐसा ही कुछ है, मतलब याद आ रहा, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट यही वर्ड है ना, बहार हिंजरा बेचारा दिल है ऐसा करके एक गाना है, तो उसकी यह पंक्तियां हैं। कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो मारवाड़ी जो है वह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी, यह तीनों जो बोलियां हैं यह पश्चिमी हिंदी क्षेत्र से संबंधित हैं। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? प्रत्यय, धातु, उपसर्ग और पद। तो शब्द रचना में पद का योगदान नहीं होता, क्योंकि पद शब्द के बाद की स्थिति है, बहुत सारे शब्दों को मिलकर एक पद का निर्माण होता है, तो अतः यह पद थोड़ा सा अलग हो गया, तो यह इसका सही उत्तर नहीं होगा। किस शब्द के रूप में साधक प्रत्यय है? बचपन, लड़के, मातृत्व और एकता। तो मातृत्व इसका उत्तर दिया हुआ है। प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? किताब में दिया हुआ है मुंबई, लेकिन हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले दोनों प्रश्नों में कि कल्पना पत्रिका अहिंदी भाषी क्षेत्र हैदराबाद से 1949 में प्रकाशित होती थी। तो जो कल्पना पत्रिका महत्वपूर्ण रही है, पहले एक जगह इसका इलाहाबाद दे रखा था, यहाँ मुंबई दे रखा है, तो आप ध्यानपूर्वक इसको लिख लीजिए कि यह हैदराबाद से 1949 में प्रकाशित होना शुरू हुई। होता क्या है कि एक ही प्रश्न, इन प्रश्न पत्रों में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, जैसे कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप इनको कहीं से भी सॉल्व करें लेकिन सही पढ़ना जरूरी है। रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिए, यह पंक्ति किसकी है? तो यह प्रेम की पीर के कवि घनानंद की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ठीक है। और दूसरी पंक्ति कौन सी है जो पिछली परीक्षा पेपर में हमने पढ़ी है, याद है आपको? याद करने ही पड़ेगी। अति सूधो सन्हे को मारग जामे नेक सयानपन बांक नहीं, ये दोनों ही पंक्तियां पूछी जाती हैं। और देखिए आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अभी दो तीन दिन से मेरी क्लास नहीं आ पा रही थी, कारण इसका यह है कि बच्चों की ऑनलाइन इन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, है ना, तो उसमें पूरा समय देना पड़ता है और फ़ोन भी बच्चों के पास ही रहता है, और मेरा स्टैंड जो है ना ये थोड़ा सा आज आपको
दिक्कत हो सकती है, वैसे मैंने अच्छे से पकड़ रखा है, लेकिन हिल क्योंकि स्टैंड भी बच्चे ने मतलब तोड़ ही दिया, बस ऐसे ही है। तो थोड़ा सा आपको मैं एक दिखाना चाहूँगी एक प्रश्न, तो थोड़ा सा आप लोग आज एडजस्ट कीजिएगा, फिर इसे सही कर लेंगे। ये देखिए, हमने जब 2007 का प्रश्न पत्र सॉल्व किया था तो वहाँ ये पाँचवें नंबर का प्रश्न था, दिसंबर 2007 वाले में, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा। अब इस प्रश्न को मैंने जैसे पढ़ रही थी कुछ तो विचार आया, देखिए ये नगेंद्र की बुक है मेरे पास, आपको दिख रही होगी, आप लोगों के पास भी होगी, हिंदी साहित्य का इतिहास बाय नगेंद्र। तो इसमें आप जब देखेंगे शुरू में जहाँ आपका स्टार्ट होता है नामकरण की ये जो नामकरण संबंधी विवाद वगैरह जो भी प्रकरण है वह शुरू होता है, तो वहाँ पर दिया हुआ है कि इसके हिंदी संबंधी अंश का अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णे द्वारा प्रस्तुत हो चुका है। तो ध्यान देने वाली बात जो है, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, कि यह प्रश्न गलत है। कैसे? देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र ने भी नहीं लिखा, नगेंद्र ने इसका संपादन कार्य किया है और लक्ष्मी सागर वार्ष्णे ने एक अंश का अनुवाद किया है। इस स्थिति में इन दोनों इसके लेखक नहीं हो सकते। रामकुमार वर्मा का आलोचनात्मक इतिहास और इनका जो है आधा इतिहास, ये दोनों या दूसरा इतिहास जो है ये लिखे हुए हैं, लेकिन इनका अलग से कोई ग्रंथ नहीं है। संपादन कार्य जरूर किया है, इन्होंने अनुवाद किया है, लेकिन लिखा हुआ नहीं है। अगर वर्तमान में ये प्रश्न आता है तो हम इस पे चैलेंज कर सकते हैं, आंसर की जब आती है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब मुझे याद आ जाती है तो मैं इसे कमेंट बॉक्स में भी वैसे लिख दूंगी वहाँ पे, लेकिन आप लोग भी थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए, और यदि कोई गलती लगे तो मुझे उसे बता दिया करिए। बाकी मुझे जब पकड़ में आ जाती है तो मैं उसको आपको बता ही देती हूँ, और काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही ये प्रश्न पत्र मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। काफ़ी इनको पहले देख लेती हूँ, बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो रट गए अब पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नए प्रश्न मुझे लगते हैं, मैं वहाँ पे थोड़ा सा भी अगर डाउट होता तो चेक करके ही आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। फिर भी इंसान हैं, गलतियाँ होने की संभावना है, तो आप भी अपने स्तर पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। केशव कहीं ना जाए का कहिए, देख तब रचना विचित्र अति समझू मनोई मन रहिए। किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। केशव नाम को देख के आपको केशव दास नहीं करना है, और केशव दास ऑप्शन में 100% वह देगा आपको भ्रमित करने के लिए या आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये कहना है वहाँ पे कि भाई हम कंफ्यूज होने के लिए नहीं हैं, बहुत अच्छे से हम तैयारी करके आए हैं, इसलिए हम तुलसीदास ही सही उत्तर लगाएंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा, आज थोड़े से आपको परेशानी हो सकती है। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? तो कृष्ण बिहारी मिश्र ये मिश्र बंधुओं के अंतर्गत नहीं आते, और मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल है यह प्रश्न भी पूछा जाता है, यानी दोनों ही तरीके से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी और गणेश बिहारी तीनों मिश्र बंधु के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कृष्ण बिहारी नहीं है। नई कहानी आंदोलन के साथ कौन सा कहानीकार नहीं जुड़ा था? तो ज्ञान रंजन नहीं जुड़े हुए थे। ये मैंने आपको पिता कहानी पढ़ाई थी जो आपके सिलेबस में नेट परीक्षा के, उसमें भी आपको ऊपर स्पष्ट लिखा था अ कहानी। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि ज्ञान रंजन अ कहानी जो आंदोलन है उसके कहानीकार हैं, और मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव इन तीनों की कहानियाँ मैंने आपको पढ़ा दी है चैनल पर, और ये नई कहानी जो आंदोलन चला उसके आंदोलन करता है। नई कहानी, सचेतन कहानी, अ कहानी, जनवादी कहानी, ये सब क्या ही अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कमलेश्वर की कहानी राजा निर्वंशी आपके सिलेबस में इसलिए पढ़नी है, और बाकी राजेंद्र यादव की कहानी टूटना और मोहन राकेश की कहानी एक और जिंदगी दोनों भी मैंने डाल दी हैं, क्योंकि इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गंगौली गाँव किस उपन्यास के केंद्र में रहा? तो ये आधा गांव उपन्यास है राही मासूम रजा का, इसके केंद्र में है गंगौली गांव। 1966 में उपन्यास लिखा गया था। जल टूटता हुआ यह 1969 में रामदर्श मिश्र के द्वारा लिखा हुआ है। अलग अलग वैतरणी 1967 में शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया था। प्रतिपर कथा 1957 में फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया था, और गंगौली गांव से संबंधित आधा गांव 1966 में राही मासूम रजा के द्वारा लिखा गया है। कोर्ट मार्शल जो नाटक है समाज की किस समस्या पर आधारित है? तो यह 1951 में लिखा हुआ था स्वदेश दीपक के द्वारा, और यह जातिवाद की समस्या पर आधारित है। विजयदेव नारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित हैं?
तो तीसरा सप्तक में यह कविताएं संग्रहित हैं। यानी कहने का मतलब विजय देव नारायण शाही किस सप्तक के कवि हैं। कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? तो आधा गांव तो अभी आया ही था, आपने देखा, राही मासूम रजा का है, झूठा सच यशपाल का है, और सूखा बरगद अभी मुझे याद नहीं आ रहा है किसका है, लेकिन आखिरी कलाम यह उपन्यास विभाजन की समस्या पर आधारित नहीं है। और यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, कभी इसमें भीष्म साहनी के उपन्यास तमस का नाम भी संकलित कर लिया जाता है, लेकिन यह प्रश्न बार बार रिपीट होता है कि विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास कौन सा है अथवा नहीं है। तो इसको अभी आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? तो ये डॉक्टर देवराज का ग्रंथ है छायावाद का पतन। ये आलोचक हैं, नामवर सिंह से संबंधित वीडियो रचना और रचनाकार वाली प्लेलिस्ट में मैं दे चुकी हूँ आपको, प्लीज़ आप याद कर लीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, दोनों आलोचकों के वीडियो भी मैं डाल चुकी हूँ उस प्लेलिस्ट में, और साथ ही साथ भीष्म साहनी के भी डाल चुकी हूँ, मनु भंडारी का भी डाल चुकी हूँ। तो इनकी रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं, तो आप याद कर लीजिएगा। सही उत्तर है डॉक्टर देवराज, छायावाद का पतन। ये वही देवराज हैं जिनका की उपन्यास है अजय की डायरी, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। इसको दोबारा मैंने आपको पिछले प्रश्न पत्र जो सॉल्व करवाए विस्तार से बता चुकी हूँ कि किस प्रकार कन्फ्यूज किया जाएगा आपको, तो यहाँ नहीं बताऊंगी। बढ़ते हैं आगे। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ये सभी जानते हैं, धर्मवीर भारती जी की रचना है, इसमें बताने को कुछ है नहीं। अब ये बात करें स्थापना और तर्क वाले प्रश्न की, तो आप जानते हैं कि इनको हम यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ आप देख लीजिएगा। भक्ति और प्रेम यानी श्रद्धा और भक्ति वाले निबंध में से ये लिए गए हैं बहुत सारी, और ठीक है, ये जैसे कविता वाला है उसमें से लिया हुआ है। आपको बता दे रही हूँ मैं कि कहाँ कहाँ से ये बनते हैं, ताकि आपको फिर ये ना रहे ना कि ये कहाँ से पूछे जाते हैं, कहाँ से तैयारी करें, तो वो चीज़ है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? तो रस विमर्श रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, है ना, क्योंकि रस मीमांसा है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो रचनाकार वाली वीडियो में मैं करवा चुकी हूँ, तो रस मीमांसा है इनका। ये जो सेकंड नंबर वाला बी ऑप्शन है, ये रामचंद्र शुक्ल का होना चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने रसज्ञ रंजन लिखा है, यह युग्म संगत है, ठीक है। इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ है रसज्ञ रंजन। कौन सा युग्म असंगत है? तो हम सब देखिए, बर्वे रामायण तुलसीदास जी की है, बर्वे नाई का भेद रहीमदास जी की। पिछले प्रश्न पत्र में हमने इसको सॉल्व किया था कि रहीमदास जी की रचना कौन सी है। कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है, बहुत व्याख्या सहित इसको स्पष्ट किया था मैंने आपकी, तो यही गलत है, कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। कौन सा युग्म असंगत है? देखिए इसको मैंने देखा तो कुछ ये प्रश्न का उत्तर इसमें गलत दिया हुआ है, क्योंकि माधवी जो है इसका, देखिए माधवी जो इसमें ऑप्शन में आंसर दिया हुआ था डी, लेकिन सही उत्तर होगा माधवी, क्योंकि माधवी जो उपन्यास है वो हम सभी जानते हैं कि भीष्म साहनी जी का है। हमने इसको रचनाकार वाली वीडियो में याद किया था, माधवी उपन्यास भीष्म साहनी जी का है, और यहाँ दे रखा है दूधनाथ सिंह, तो ये बिल्कुल गलत है। देख लेते हैं, 1955 में माधवी उपन्यास को लिखा था भीष्म साहनी जी ने। दूधनाथ सिंह जी का उपन्यास प्रसिद्ध है वह यमगाथा, जो कि 2000 में लिखा हुआ है। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का है, 1972 में लिखा गया है। उत्तर प्रियदर्शी 1967 में अज्ञेय द्वारा लिखा हुआ गीति नाट्य है, और जो 1998 में मृदुला गर्ग द्वारा एक और अजनबी लिखा गया है, ये नाटक है। देखिए माधवी भी नाटक है, मैंने गलत बोल दिया उपन्यास, ये द्रौपदी और माधवी ये दोनों नाटक हैं, उपन्यास नहीं है। उपन्यास की मैंने आपको ट्रिक बता रखी है भीष्म साहनी उपन्यास में, तो उसी से मुझे ये याद अच्छे से आ जाता है ना, कविरा मामू रंग दे बसंती आलमारी। तो माँ से माधवी, मुँह से कविरा, कविरा से कविरा खड़ा बाजार में, कविरा माँ मुँह, तो माँ से माधवी, मुँह से मुआवजे, रंग दे बसंती, आलमारी से आलमगीर। तो ये उनके नाटक हैं जो क्रमबद्ध रूप से मुझे ट्रिक के माध्यम से याद हैं। क्रम से लगाने वाले प्रश्न भी अलग से प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, ये नहीं पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे 38वें नंबर प्रश्न की ओर। पंक्तियों को सुमेलित करना है, जसुमती हरिपाल ने जुलावे, हम सभी जानते हैं सूरदास की पंक्तियाँ हैं,
तो ये ब्रजभाषा में है। तेही अवसर एक तापस आवा तेज पुंज लघु बायसु आवा, तो रामचरितमानस से ली हुई पंक्तियाँ हैं तो तुलसीदास की हैं, अतः अवधि भाषा में होंगी क्योंकि अवधि में आवा सुहावा इस तरीके के कथन वो सॉरी शब्द हैं। अतिरंग स्वामी सुमिली राती बेटी राजा भोज की, तो ये जो है डिंगल भाषा में लिखी हुई है लेकिन इसमें डिंगल के शब्द तो मुझे नहीं लग रहे हैं। दखन है नगीना अंगूठी है जग, अंगूठी को हरकत नगीना है लग, तो दखन है, तो डी का ऑप्शन है दूसरा दखनी, ठीक है। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है ये डी का है, और अतिरंग स्वामी सुमिली राती बेटी राजा भोज की, इसको आप डिंगल भाषा का मान लीजिएगा। आगे देखते हैं ये शब्द हैं किस भाषा के, अयऊ अपभ्रंश का है, अइल भोजपुरी का है, आवा अवधि का है, ऊपरी अगर इसको नहीं आ रहा तो यहाँ पे भी है ना, तेही अवसर एक तापस आवा, आयो ये तो सीधा सीधा ब्रजभाषा का शब्द है ना, अभी अभाल आयो, चिंता मत करे अभाल आयो, तो वही है। सतरंगनी रचना है बच्चन जी की, सतरंगे पंखों वाली यह रचना है नागार्जुन की, अणिमा रचना है निराला की, और रितंभरा रचना है केदारनाथ मिश्र प्रभात की, ठीक है। केदारनाथ भी बहुत सारे हैं कवि, और इनकी जो रचनाएं जमीन पक रही है, जो दूसरे वाले केदारनाथ जी हैं ना उनकी रचनाएं जो बार बार पूछी जाती है। देखिए आपको कोई सुझाव देने हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को आप लाइक करना भूल जाते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों में इन वीडियोस को शेयर कीजिए, चाहे वो पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की असिस्टेंट प्रोफेसर की, या किसी भी हिंदी विषय से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न सभी के लिए उपयोगी हैं। तो मैं आपसे बार बार ये अनुग्रह करती हूँ कि आप इन वीडियोस को प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि थोड़ा सा हमारा ये चैनल चल पाए। नया चैनल है तो आपके सहयोग के बिना तो चलेगा नहीं, मैं कितना भी इसमें अच्छी चीज़ पढ़ाऊँ जब तक आप लोग इन वीडियोज़ को लाइक नहीं करेंगे शेयर नहीं करेंगे तब तक ये चैनल ग्रो नहीं कर सकता है। तो आपका अपना यूट्यूब परिवार है और आप लोग जो सुझाव देते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी सुझाव आपके मन में आए, तो क्योंकि मुझे इतना इसके बारे में जानकारी नहीं है यूट्यूब चैनल वगैरह के, मेरा काम पढ़ाने का है, मैं एक ट्रेंड टीचर हूँ तो मैं वो काम कर सकती हूँ। तो आप लोगों के मन में कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो वो भी लिख सकते हैं। नेट परीक्षा के अलावा आप किसी और परीक्षा की तैयारी के लिए यदि प्रश्न पत्र देख रहे हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि सिलेबस आपका भी मैं देख पाऊँ और उसके अकॉर्डिंग पढ़ा पाऊँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अलंकार पहचानने मुख नहीं चंद्रमा है, तो अपनहूति क्योंकि यहाँ पे निषेध हो गया, मुख नहीं, मुख तो चंद्र ही है रूपक है ना, मुख को चंद्रमा की वो दी है, मुख देखकर चांद का आभास हुआ, तो आभास हुआ भ्रांतिमान, मुख है कि चांद है, संदेह अलंकार है जब पता ही नहीं है मुख है कि चांद है। तमस है भीष्म साहनी जी का, पीली आंधी है प्रभा खेतान की, है ना, खेतों में तो चलती है पीली आंधी, तो प्रभा खेतान, सूरज की जब प्रभा फैलती है ना, प्रभा यानी सुबह होती है ना, किरण उजाला होता है, तो क्या होता है, खेतों में पीली आंधी चलती है, अंधेरे बंद कमरे, मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे सिलेबस में हमने पढ़ा है, ये इनका उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे, ये बात ही ऐसी करते हैं, अंधेरे बंद कमरे में आधे अधूरे लोग लड़ रहे हैं, एक और जिंदगी की कल्पना कर रहे हैं, और इनका आषाढ़ का एक दिन हमारे सिलेबस में भी है नाटक, नीला चांद है शिव प्रसाद सिंह का। पूर्व के प्रश्न पत्र में भी ये आया है, शिव प्रसाद सिंह, शिव के प्रसाद से क्या हुआ, चांद भी नीला हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि शिव जी भगवान को नीलकंठ कहते हैं, उनके गले में तो जहर का वास है इसीलिए तो उनका गला नीला नीला दिखाई देता है, और इसी कारण क्या हुआ कि जो शिव जी के जो सिर पे जो चांद लगा हुआ है ना वो भी नीला हो गया, क्योंकि भाई जहर का थोड़ा बहुत प्रभाव तो उस पर भी आएगा ना, तो वो भी नीला हो गया, इसके याद कर लीजिए, शिव प्रसाद सिंह का नीला चांद, बंद अंधेरे कमरे में मोहन राकेश जी रहते हैं, पीली आंधी सुबह प्रभा खिलते समय खेतों में चलती है, और तमस तो भीष्म साहनी जी का है ही। आगे पंक्तियों को सुमेलित करना है, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र पंत की युगांत रचना की ये पंक्तियां हैं, यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है, तो संसद से सड़क तक प्रसिद्ध रचना है धूमिल की, उसी से ली हुई पंक्तियां हैं, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, मुक्ति बोध की अंधेरे में कविता में इसको पढ़ चुके हैं हम, तो इसमें गलती की संभावना नहीं है। आ गए प्रियम मद केश कम्बली गुफा गहे गे की असाध्य वीणा कविता पढ़ चुके हैं हम, उसकी फर्स्ट लाइन है जहां से कविता शुरू होती है,
तो सी और डी ऑप्शन आप किसी भी हालत में गलत नहीं करोगे, क्योंकि ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और मुझे विश्वास है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने क्लासेस अटेंड की हैं, कम से कम जितना हम लोग पढ़ चुके हैं साथ साथ मिलके, उतना आप लोग गलत नहीं करोगे। आगे देखते हैं, निरोग में है विसर्ग संधि, दीर्घाकार में है दीर्घ संधि, सदाचार में है व्यंजन संधि और प्रत्येक में है यण संधि। ठीक है, संधि है उनको लगाना है तो बहुत कठिन नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं, शब्दार्थ हो सही तो काव्यम भमह की बात है। ठीक है, तद दोषो शब्दार्थ हो सगुणा वर्णलंकृति पुनः क्वापि मम्मट की है ये। वाक्यम रसात्मकम काव्यम बार बार पूछी जाती है, और कविता क्या है निबंध के अंतर्गत भी हम पढ़ चुके हैं, आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी, व से वाक्य और व से विश्वनाथ ऐसे कर लीजिएगा। रमणीयार्थ प्रतिपादक हो शब्द हो काव्यम, तीसरे का है पंडित जगन्नाथ। रमणीयार्थ इसको भी हमने कविता क्या है मैं शुक्ल के अंतर्गत पढ़ा है। निबंध शुक्ल जी के पूरे पूरे पढ़ने, ये शॉर्ट में पढ़ने वाली चीज़ें नहीं हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट निबंध हो सकते हैं चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर लीजिएगा। बार बार देखिए, मैं इसलिए आपको बताती हूँ, जो लोग पुराने बच्चे हैं उनको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता होगा कि मैडम बार बार बताती हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट प्रतिदिन नए सब्सक्राइबर्स भी होते हैं जो पहली बार हमारी ये वीडियोज़ देख रहे होते हैं, तो उनके लिए बताना जरूरी होता है, इसलिए पढ़ाती हूँ। ये जो गद्यांश इसमें दिया हुआ है जिसके अंतर्गत 5 प्रश्न हैं, यह गद्यांश दिया हुआ है कविता क्या है निबंध में से। जैसे कि आप लोगों का प्रश्न होता है कि जो गद्यांश होते हैं इनकी प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, तो शुक्ल के निबंध के माध्यम से इसकी बेहतरीन प्रैक्टिस की जा सकती है। तो कविता क्या है निबंध में से यह गद्यांश लिया हुआ है, इसलिए मैं आपको पढ़कर इसे नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि भाई ये तो मैं आपको बहुत विस्तार से व्याख्या सहित बता सकती हूँ, हो सकता है अब की बार ये है आगे वाले में आगे वाला पैराग्राफ में से आ जाए, इसलिए अच्छा होगा कि आप पूरा निबंध ही पढ़ लीजिए। ठीक है ना, तो ये सारा हो गया। ठीक है, अब हम आगे वाले पेपर पे बढ़ते हैं। ये जून 2008 का हमने देख लिया, अब हम दिसंबर 2008 का देखेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी। और हाँ, इसको शुरू करने से पहले मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जो भी विद्वजन वीडियो को डिसलाइक करते हैं, ये प्रश्न पत्र वाले, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपने सुझाव दीजिएगा कि आप डिसलाइक क्यों कर रहे हैं। आपको यदि ये प्रश्न पत्र प्रश्न पसंद नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे प्रश्न मैंने तो सेट किए नहीं हैं, ये तो ऑलरेडी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो वही प्रश्न मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, आपको ये दिखा भी रही हूँ कि दिसंबर 2008 का पेपर है। फिर इसमें डिसलाइक करने वाली क्या बात है, यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है तो आप मुझे सुझाव दीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि जितने भी लाइक वाले कमेंट्स हैं वो स्टूडेंट नीचे मैसेज कर रहे हैं उनको पसंद आ रहे हैं, तो अगर आपको कोई कमी लग रही है तो आप उसे बताइए। ठीक है, ऐसे आके और वीडियो डिसलाइक करके जाने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि मुझे फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, और आप लोग भी, और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इन वीडियोस को डिसलाइक नहीं कर रहे, कुछ और लोग होते हैं, हालांकि मैं इस तरीके की बातें करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे अभी पिछला जो प्रश्न पत्र उस पर डिसलाइक थे, मतलब आपको पसंद नहीं, तो कुछ लोग होते थोड़ा सा चैनल ग्रो करने करते ही ऐसे लोग क्या है कि आके दूसरों के उसमें आके और डिसलाइक करने लग जाते हैं, तो वो लोग हैं। बाकी मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कमी क्या है, तो समझ में आया कि आपने डिसलाइक क्यों किया है ना, बताइएगा, ताकि और स्टूडेंट्स का भी भला हो। आपको लग रहा है कि प्रश्नों के गलत उत्तर बताए जा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आके आप मुझे बताइएगा कि कौन से प्रश्न के उत्तर गलत हैं, ताकि हमारे अन्य भाई लोगों का, अन्य बहनों का भी, जो साथी लोग हैं उनका भी भला हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हिंदी भाषा का संबंध किससे है, सौर सैनी अभ्रंश से है। कौन सी रचना अवधि में नहीं है, पद्मावत, मधुमालती, नूर मुहम्मद, ये सभी अवधि भाषा में रचित है, कवितावली ब्रज भाषा में रचित है। तुलसीदास की रचनाएं कवितावली और ब्रज विनय पत्रिका दोनों ही ब्रज भाषा में रचित हैं। पद्मावत जायसी की है, मधु और मालती मंजन की है, नूर जवाहर की अनुराग बांसुरी रचना है, सॉरी नूर जवाहर इनकी नहीं है, ये किसी और की है, असायत या किसी की। तो देसिल वयना सबजन मिठा किसका कथन है, तो देसिल वयना सबजन मिठा यह कथन है विद्यापति का पदावली के लिए, मैथिली भाषा में रचना करी थी पदावली की विद्यापति जी ने, और उसी के लिए यह कथन उन्होंने कहा है। तोतुराम भी
पढ़ रहे हैं आपके साथ साथ, जो तोतुराम बैठे हुए हैं ना मेरे पास, मिच्छू, वो भी पढ़ रहा है, उसको भी कुछ समझ में आने लगा। देसिल जैना सबजन मिठा मिठा आते ही उसको लगा कि मैं उसे मिच्छू आवाज़ दे रही हूँ, वो भी बोल के बता रहा है कि वो भी हमारे साथ साथ पढ़ रहे हैं। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में यह कथन किसने कहा? तो ये इसमें गलत उत्तर दिया हुआ था, सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, कालचक्र एक पत्रिका थी वहाँ पर ये लिखा हुआ आया था कि हिंदी नई चाल में ढली 1873 में कहा गया। ये भी आपको याद रखना है, परीक्षा में ये भी पूछा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है ये, तो इसी वाले प्रश्न में पूछा गया, यानी 3-4 प्रश्न से संबंधित पूछे जा सकते हैं। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन आलोचक रामचंद्र शुक्ल का है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? देशभाषा नाम दिया था अपभ्रंश को भरत मुनि ने। बल्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? पूर्व में इसको मैं आपको क्लियर करवा चुकी हूँ कि शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक थे, अद्वैत के प्रवर्तक थे शंकराचार्य, द्वैताद्वैत के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य और शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक हैं बल्वाचार्य। ये सभी हमको याद हो गए, इसलिए याद हो गए क्योंकि पुराने प्रश्न पत्रों में हमने इसको अच्छे से पढ़ा है। आचार्य कवि कौन से नहीं हैं? जब हम रीतिकाल की बात करते हैं तो केशवदास, भिखारीदास, चिंतामणि तीनों ही आचार्य कवि हैं, ब्रजवासीदास जी नहीं हैं। कर्मवीर के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे, इसको हम देख चुके हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की जब मैंने आपको कहानी राही पढ़ाई थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो उनके पति थे उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी के यहाँ कर्मवीर पत्रिका कर्मवीर जो अखबार था उसके अंतर्गत जाके नौकरी ज्वाइन करी थी। अगर आपको नहीं भी पता है तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ध्यानपूर्वक आप वीडियोस को देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको जो भी अतिरिक्त ज्ञान देती हूँ कहानी पढ़ाते समय या निबंध पढ़ाते समय, वो मैं ऐसे ही नहीं देती क्योंकि मैंने पुराने प्रश्न पत्र, अभी मैं तीसरी बार कर रही हूँ हल आपके साथ, तो क्योंकि मैंने पढ़े हुए हैं तो मुझे ध्यान रहता है माइंड में कि ये प्रश्न पूछा हुआ है, उसी हिसाब से मैं आपको अतिरिक्त जानकारी वहाँ पर दे देती हूँ ताकि आपको गलत नहीं हो प्रश्न। कुआनो नदी के रचनाकार हैं सर्वेश्वर द्वार दयाल सक्सेना। कौन सा महाकाव्य नहीं है? तो यह कुरुक्षेत्र महाकाव्य नहीं है, दिनकर का कुरुक्षेत्र खंडकाव्य है, लोकायतन पंत जी का है, 1964 में लिखा था, रामदूत को हरिश्चंद्र पांडे ने 2002 में लिखा था, गंगा अवतरण 1927 में लिखा हुआ है, यह शायद जगन्नाथ जी की रचना है। तो कुरुक्षेत्र जो है 1946 में दिनकर ने लिखा था और यह खंड काव्य है। एक जगह कुरुक्षेत्र को महाकाव्य लिखा हुआ है, तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो कंफ्यूज कर देती हैं ना, कभी कभी प्रश्न में कंफ्यूज हो जाते हैं जब तक कि उस रचना को हमने देखा या पढ़ा नहीं होता। स्वदेश दीपक की रचना है कोर्ट मार्शल, अभी पीछे भी आई थी, आधे अधूरे मोहन राकेश की है, कवीरा खड़ा बाजार में भीष्म सहनी जी की, और बकरी सर्वेश्वर द्वार सक्सेना की है। भुक्तिवाद की अवधारणा भट्ट नायक की है। उज्ज्वल नीलमणि किस आचार्य की रचना है? तो ये रूप गोस्वामी की रचना है, रूप गोस्वामी से संबंधित प्रश्न पिछले परीक्षा में पूछा गया था कि भक्ति को रस के रूप में स्थापित किसने किया, रूप गोस्वामी जी ने किया था, उज्ज्वल नीलमणि इनकी रचना है। सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरुक का एक ही करता, एक ही ब्रह्म सवन का भरता, तो ये मलुकदास जी की पंक्तियाँ हैं। भाषा प्रवीण सुच्छंद सदा रहे सोघने जी के कवित बखाने, तो ये व्रज रत्न दास जी की पंक्तियाँ, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए ये अधिकतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कभी कभी पीछे वाले प्रश्न है ये, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सोघन जी के कवित बखाने, तो ये ब्रज रत्नदास जी की पंक्तियाँ हैं। आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते 70 प्रश्न बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बोलते बोलते गला सूख जाता है। अब देखिए होता क्या है कि अधिकतर विद्यार्थी की मैं बात कर रही हूँ, देखिए मैं सबकी नहीं कर रही हूँ, वो लोग क्या देखते हैं वीडियो की लेंथ देखते हैं कि 5 मिनट में होता ना 20 क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन करिए। अरे भाई आप लोगों को अगर इतना बड़ा ये नहीं देखना तो आप इसको 2 पार्ट में कर सकते देख सकते हैं कि 35 प्रश्न एक बार हल कर लिए, 35 प्रश्न बाद में, लेकिन मेरा उद्देश्य एक ऐसा चैनल बनाना है हिंदी साहित्य के लिए जहाँ से पढ़ने के बाद आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े और जितनी भी आपकी ज़रूरी सामग्री है एक जगह मिल जाए। अब क्योंकि मुझे पुराने प्रश्न पत्र सॉल्व करवाने हैं तो मैं इनको जल्दी से सॉल्व करवाना चाहती हूँ अधिक प्रश्नों के साथ, ताकि आप परीक्षा के समय तक आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए, जो पढ़ा रहा है उसका रिवीजन होता रहे। और जो लोग स्टूडेंट्स पूरा वीडियोस को इनको देख रहे हैं
तो अगर आपका सिलेबस में से कुछ छूट भी जाएगा ना, नहीं भी आप कवर कर पाए नेट परीक्षा का सिलेबस, तो भी इसमें इतने प्रश्न मैं आपको करवा दूंगी ना, इतने प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा दूंगी मैं आपको कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा, आपको जुटना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा आपको, है ना। किसी भी चीज़ को ऐसे चुटकी बजाते ही कोई भी समस्या सॉल्व नहीं होती है। आपको चाहिए छोटे छोटे वीडियोस, तो वो लोग मेरे चैनल पे निराश हो जाते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको सिलेबस कंप्लीट करवाना है, ठीक है। टाइम पास करना मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं 20-20 प्रश्न प्रतिदिन डालूं। भाई वो सारी चीज़ें उसके बाद की, जब हमारा सारा सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद भी यार 20 प्रश्न तो बहुत कम रहते हैं। कम से कम हम एक बार में बैठें तो 50 प्रश्न तो कम से कम सॉल्व करके उठें। प्रतिदिन के 70 प्रश्न अगर आप याद कर लेते हो ना, तो सोचिए आप, परीक्षा की तिथि अभी निर्धारित नहीं है, तब तक आप लगभग 4-5 हज़ार प्रश्न हम लोग तैयार कर लेंगे और भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं व्याख्या करके बताती रहती हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। बाकी जिन्हें पढ़ना है वो बच्चे देखते हैं, जिन्हें नहीं पढ़ना वो बहुत ज़्यादा कहने पर भी नहीं देखते, और लेकिन मेरा काम समझाने का है, आपका मार्गदर्शन करने का है। मैं इसी तरीके से आपके पीछे लगी रहूंगी जब तक कि आप सफलता हासिल नहीं कर लेते, है ना। मैं इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ आपकी। बार बार बताती रहूंगी आपको कि पढ़िए, याद दिलाती रहूंगी आपको प्रैक्टिस करिए, पढ़ने से ज़्यादा रिविज़न ताकि करिए, ताकि परीक्षा में उत्तर गलत ना हो। अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है, धूमिल की रचना संसद से सड़क तक से लिया हुआ है, स्पष्ट दिख रहा है। अब है नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापकों में थे शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। कौन सी हिंदी पत्रिका है, तो केरल ज्योति। जैसा नाम से लग रहा है कि यार ये तो दक्षिण साउथ की होनी है, तो साउथ की, लेकिन हिंदी भाषी पत्रिका है केरल ज्योति। विपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता है, तो हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली प्रसिद्ध पत्रिका है। आगे ये वाले प्रश्न हम नहीं करेंगे, क्रमबद्ध वाले आगे देखते हैं कौन से हैं हमारे मतलब के, ये अलग से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। देशद्रोही रचना है यशपाल की, भूले बिसरे चित्र हैं भगवती चरण वर्मा के, अनामदास का पोता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास, और निरुपमा उपन्यास है निराला जी का। जात पात पूछे नहीं कोई, हर का वजह सो हरि को होई, पूरी पंक्ति है ये रामानंद की। गिरा अनयन नयन बिन वाणी, तुलसीदास जी की रचना है ये, है ना। कैसे कहूँ सखी का जाहूँ बखानी, तो वो वाली है, चूंकि वो प्रसंग है कौन सा वाला, जनक वाटिका का ये प्रसंग है, बाद में बात करेंगे, आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। प्रेम प्रेम ते होए प्रेम ते पा रही पाए, सूरदास जी की रचना है। और मानुष प्रेम भयो बैकुंठी जायसी की रचना है पद्मावत की, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, बार बार पूछी जाती हैं, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, तभी उसको एक अलग तरीके का काव्य माना जाता है, उसको हमने पढ़ना है, वहाँ पर चर्चा करेंगे। कृष्णचंद्र जी की जो कहानी है वह महुए का पेड़, हरिशंकर परसाई की कहानी है 5 रुपए की आज़ादी, राजेंद्र यादव की कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है, और कमलेश्वर की कहानी है राजा निर्वंशिया 1957 में जो कि रचित है। अब ग्रंथों को सुमेलित करना, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म रिचर्ड्स की रचना है, सेक्रेड बुक्स T.S. इलियट की रचना है, लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ की रचना है, पोएटिक्स अरस्तू की रचना है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा प्रसाद जी की पंक्तियां हैं, यह हम नदी के द्वीप हैं, यह अज्ञे की पंक्तियां हो गई क्योंकि यह इनका कविता भी है और एक ग्रंथ भी है। दुखों के दागों को तमगा सा पहन, मुक्तिबोध की भूल गलती कविता हम पढ़ चुके हैं, उसमें से ली हुई है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, धूमिल की रचना है। आगे देखते हैं, ज्ञानोदय जो पत्रिका है ये 2002 में रविंद्र कालिया द्वारा चलाई जाती थी। साहित्य अमृत 1995 में त्रिलोकी नारायण चतुर्वेदी द्वारा चलाई गई थी, और वाक जो है यह 2007 में सुधीश पचौरी की है, और 1978 की है दस्तावेज जो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की। इस प्रकार ये आपकी पत्रिकाएं हो गई। नाटककारों को नाटकों से सुमेलित करना है, ये सभी आप बता ही देंगे। धर्मवीर भारती का अंधायुग 1955, जगदीश चंद्र माथुर का दशरथ नंदन 1974, मणि मधुकर का रसगंधर 1975, और कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह का जन कवि जगनी की इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। निबंध देख लेते हैं, नया साहित्य नए प्रश्न, यह है नंद दुलारे वाजपेयी, विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य अज्ञे का है, और मेरा परिवार महादेवी वर्मा का है, और विवेकी राय का है फिर वह तलवा डाल पर 1962 में।
नया साहित्य नए प्रश्न के निबंधकार हैं। ये तो लगा हुआ ही नहीं है इसमें, या तो कुछ अच्छा, ये दो बार प्रश्न छप गया है ना। अभी तो अभी ये पढ़ा था, नंद दुलारे वाजपेयी, विचार वितर्क, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य अज्ञ, और मेरा परिवार महादेवी। चलिए आगे देखते हैं। देवी दीन जो है पात्र है गबन उपन्यास का है, कीर्ति वर्मा पात्र है नीला चांद का, और ओंकार नाथ जो पात्र है यह है गोदान का, हम पढ़ चुके हैं, संपादक थे बिजली के, और कुंदन पात्र है किस्सा गुलाम का। ठीक है, ये सारे इसमें से गोदान हम पढ़ चुके हैं और वो ही हमारे कोर्स में है। ठीक है, और झूठन तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा भी है। शब्दार्थ सहित तो काव्यम, अब तो आपको रट गया होगा ये भाम, ननु शब्दार्थ काव्यम दंडी, और आगे है शब्दार्थ सहित तो वक्र कवि व्यापार शालिनी, तो कुंतक की है क्योंकि वो वक्रोक्ति संप्रदाय के थे, और वाक्यम रसात्मकम काव्य व से वाक्य व से विश्वनाथ। इस प्रकार आपका ये भी हो गया। अब जो है स्थापना तर्क वाले प्रश्नों की आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, अलग से बनी हुई है। ठीक है, बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, ये शुक्ल जी के निबंध से है, भाव मनोविकार पढ़ा चुकी हूँ मैं, काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना ये कविता क्या है निबंध से है, ये भी पढ़ा चुकी हूँ। स्थापना और तर्क के प्रश्नों के लिए निबंध पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा ये एक छोटा सा यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ था, इसको पढ़कर आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप जैसे अन्य लोग जो पुराने प्रश्न पत्र के लिए भटकें तो ये वीडियो उनकी सर्च पे खुल जाए। इसी के लिए ज़रूरी है कि आप इसे लाइक करें, लाइक यदि करेंगे तो यूट्यूब इसे सजेशन में भेजेगा। बाकी जो लोग मेरा सहयोग करना चाहते हैं, जिन्हें चैनल अच्छा लग रहा है, वो प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, और आपके पास जितने मोबाइल उपलब्ध हों उनसे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल की कक्षा में नए पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।